हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा हवा महल का। सेम डे पे मैं गई थी गोविंद देव जी टेम्पल। अगर लास्ट व्लॉग अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, पहले वो देखिए फिर ये व्लॉग देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये रास्ता जो आप अभी देख रहे हैं ये जाता है गोविंद देव जी टेम्पल की तरफ। बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये वॉल है। यहाँ पे इतनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है। जयपुर से जब कभी कोई बाहर से आता है तो ये आर्किटेक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है उनको। हम तो यहाँ पर जाते रहते हैं। गोविंद देव जी टेम्पल जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स में से एक है। बहुत ही शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट, यहाँ पर दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। आगे आप व्लॉग में देखेंगे। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है गोविंद देव जी मंदिर की। इसके बाहर की तरफ, सामने की तरफ पार्किंग एरिया भी है, टू व्हीलर पार्किंग भी है, फोर व्हीलर पार्किंग भी है। आप अपना व्हीकल आराम से पार्क कर सकते हैं और जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने। आसपास थोड़ा बहुत सामान भी मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊँगी व्लॉग के एंड में। और अभी मैं चल पड़ी हूँ मंदिर में दर्शन करने। एक वॉक इन एरिया है, बहुत लंबा सा रास्ता है आप जाएंगे, उसके बाद आपको एक हॉल मिलेगा जो कि मेन गोविंद देव जी मंदिर है। आगे आप व्लॉग में देखेंगे। उस हॉल की भी एक हिस्ट्री है, एक बहुत ही खास बात है उसके अंदर जो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है। इसकी कंप्लीट टाइमिंग डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। सुबह सुबह 4:30 बजे मेरी मासी भी डेली दर्शन करने जाती है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुल है। क्राउडेड होने के बावजूद, हमेशा क्राउडेड रहता है ये, लेकिन फिर भी इतना शांत और इतना अच्छा लगता है यहाँ आके। अब बस हम मंदिर में एंटर करने ही वाले हैं और उसके बाद बस आप आरती का मजा लीजिए। तो दोस्तों कैसे रहे दर्शन, अच्छे हुए ना? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे गोविंद महाराज की जय। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरे हॉल रूम का मैंने कैप्चर किया है नज़ारा। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यहाँ का, आप देख सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु थे जब आरती हो रही थी सभी लीन थे भक्ति में, नाच रहे थे, गा रहे थे। उसके बाद भी यहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं कि फिर से दर्शन ओपन हो और वो फिर से दर्शन करें एक बार गोविंद देव जी महाराज के। बहुत ही अच्छा यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट, भजन चलते रहते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंदिर में बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो एंट्रेंस है वहाँ से व्यू है पूरे हॉल एरिया का, बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत ही बड़ा हॉल है ये, ठीक सामने की तरफ वो कपाट खुलेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। भीड़ पीछे तक लगी रहती है दर्शन करने के लिए। और व्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक खास बात है इस मंदिर के बारे में जो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मंदिर है गोविंद देव जी टेम्पल, ये दर्ज है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। वो किस लिए, वो आइए अब मैं आपको बताती हूँ। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोविंद देव जी मंदिर के राइट साइड में बना सत्संग भवन है। इसी सत्संग भवन ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है
वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लैट छत है ये, जिसके नीचे एक भी पिलर नहीं है। बहुत ही ह्यूज हॉल है ये, आप देख सकते हैं इतना बड़ा हॉल, क्या आर्किटेक्चर है कमाल का, क्या इंजीनियरिंग है कमाल की, जो इतना बड़ा हॉल टिका हुआ है, एक भी बीच में पिलर नहीं था। दोस्तों गोविंद देव जी टेम्पल में मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, पूरा मैंने कैप्चर किया है। आरती चल रही थी गोविंद देव जी टेम्पल में, दर्शन के बाद पीछे की तरफ टेम्पल में ही बहुत ही सुंदर प्रिटी सा बहुत बड़ा गार्डन भी है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स हैं गार्डन के एंट्रेंस पे, और अलग अलग छोटे छोटे मंदिर भी है, आपको पूरे ब्लॉग में दिखेगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा आप। और जब भी यहाँ आए इस गार्डन में ज़रूर आएँ, पीछे की तरफ कुछ झूले भी हैं। जी हाँ, गोविंद देव जी टेम्पल के पीछे की तरफ बहुत बड़ा गार्डन है। अभी जो मैंने आपको सत्संग भवन दिखाया था, उसी से आगे थोड़ा वॉक करके ये बहुत बड़ा गार्डन आता है। छोटे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पर, जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और बाहर की तरफ गार्डन में ही ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर ये ड्रेसेस हैं, घर में जो लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं उनको ये ड्रेसेस पहनाई जाती हैं, बहुत ही प्रिटी प्रिटी ये ज्वेलरी है उनकी। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी है तो उनके लिए ये ड्रेसेस यहाँ से ले जाना, बिल्कुल मत भूलिएगा। 20, 50, 30 बहुत ही रीजनेबल रेट्स में, और बहुत ही क्यूट क्यूट ड्रेसेस होती हैं। सामने की तरफ ये कुछ और स्टॉल्स भी थे, ये छोटे छोटे स्टॉल से ज़रूर कुछ परचेज कीजिए, भले आपको नीड ना हो, आगे आप जाकर इनको किसी और ज़रूरतमंद को बांट सकते हैं, इनकी हेल्प हो जाती है और आपकी थोड़ी बहुत शॉपिंग और घुमाई भी हो जाती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह भी थे, हैंडमेड बैग्स थे, वो भी आप देख सकते हैं। ये गार्डन है, कुछ मंकीज़ है, थोड़ा सा शूट मैंने उनका भी कर लिया था, तो वो भी देखिएगा, बड़े प्यारे लग रहे थे, टू लिटिल मंकीज़, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना बहुत प्यारे। अभी जो आपने देखा था टेंपल, वो था चिंतारण हनुमान जी का, इसी गार्डन में। और ये गार्डन का फुल व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा गार्डन है, झूले भी हैं यहाँ पर पीछे की तरफ। शाम के टाइम पे अगर आप यहाँ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। एज़ यू ऑल नो कि ऑफकोर्स राजस्थान है, तो धूप तो यहाँ रहती है, गर्मी तो यहाँ रहती ही है, पानी बॉटल सब कुछ कैरी करना है आपको, हर व्लॉग में मैं आपको कहती ही हूँ, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए, लोग यहाँ पर बैठे थे दिन के टाइम में भी, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ का। तो आइए अब आपको ये भी दिखा देते हैं, मंदिर के बाहर आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या शॉप्स हैं यहाँ पर। मंदिर से रिलेटेड जो भी सामान है आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि अंदर आपको ड्रेसेस मिल रही थी, वैसे ही बाहर भी आपको गोविंद देव जी के लिए, अपने मिनी लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस मिल जाएंगी। उनकी कुछ छोटे स्टैचूज भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। गोविंद देव जी टेम्पल के राइट साइड में गुरुद्वारा भी है, यहाँ मैंने मत्था टेका, लंगर चखा, बहुत ही अच्छा लगा। इस व्लॉग को एंड करने का सबसे खूबसूरत तरीका यही था। तो अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए व्लॉग्स बाय यामी, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और बस मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। सी यू, बाय।